मैं हूं प्राची एंड आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हाफ वाले कॉलर की मार्किंग, कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करें। तो हमें हाफ कॉलर जो फ्रंट में चाहिए वो 2-2 इंच की चाहिए एंड बैक में हमारी तो कॉलर रहेगी रहेगी, तो 2-2 इंच पे हमने फ्रंट में निशान लगा लिया है एंड इसी निशान से हम अपनी कॉलर की जो होती है मेजरमेंट लेंगे एंड मार्किंग करेंगे। तो चलिए इन दोनों को हाफ में फोल्ड कर लेते हैं। पहले इस तरीके से हाफ में फोल्ड करने के बाद जो हमारा निशान होता है वहां से हमें मेजरमेंट करना है, इक्वली मेजरमेंट करना है, कपड़े को स्ट्रेट रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो मेजरमेंट है वो हमारा 1.5 इंच के लगभग में आ रहा है, यानी कि 5.8 इंच आप इसे मान सकते हो। एंड आप अपने नेक को मेजर करो और आपका नेक कितना आएगा वो हमें देख लेना है। एंड जितना ही हमारा नेक आता है वहां से हमारे 2 इंच वाले लाइन से जितना भी हमारा नेक आता है कॉलर, उतना हम यहाँ पे मेजर करेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच आया तो 6 इंच पे निशान लगा लिया है एंड 6 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने 1 इंच चौड़ी कॉलर चाहिए तो 1 इंच पे निशान लगा के इक्वली स्ट्रेट कर देंगे। सारे साइड से 1-1 इंच का निशान लगा के 1 इंच की हमें कॉलर बनानी है। यहाँ पे स्टैंड वाली कॉलर जो होती है हमारी, यहाँ पे हमें 1/2 इंच का निशान लगा लेना है जिससे हम थोड़ा सा राउंड शेप देते हैं। फ्रंट वाली जो हमारी कॉलर होती है उसे राउंड शेप देना होता है। बैक का कॉलर मेजर कर लीजिए, आपकी 3.5 इंच मेरी बैक की कॉलर है तो बैक के कॉलर से हमें से 1/2 इंच का राउंड शेप इस तरीके से मिला लेना है। एंड जहाँ पे हमने 1/2 इंच का राउंड शेप दिया है वहां से हमारी 1/2 इंच कम हो गई है तो 1 इंच वहां से ऊपर की ओर मेजर करके निशान लगा लीजिए एंड इस तरीके से शेप दे दीजिए। एंड आप क्या कीजिए कि आप एक बार राउंड इसका मेजर कर ले कि 1.5 इंच हमारा यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेजर कर लीजिए। यहाँ पे 1.5 जहाँ आ रहा है वहां से हमें इस तरीके से कॉलर का शेप देना है, बिल्कुल इस तरीके से कॉलर का शेप दे एंड इसकी कटिंग कर ले। एंड क्या करना है कि इस वाले पीस को हमें डबल फोल्ड फैब्रिक पे डाल के और उसको भी कटिंग कर लेनी होती है 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके। एंड वीडियो अगर यूजफुल लगे तो ऐसी आइडियाज़ एंड ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इस तरीके से हम इसे काट लेते हैं एंड इसकी उलेन सूट की वीडियो आ चुकी है चैनल पे, उलेन सूट कैसे स्टिच करें, डिज़ाइनर नेक अगर हो तो उस नेक को कैसे बनाएं, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए इस तरीके से हमारा कॉलर कट हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं शेप प्रॉपरली दे देती हूँ। एंड अब हमें डबल फोल्ड कपड़ा लेना है, उस पर इस वाले कॉलर को रख लेना है प्लेस करके इस तरीके से। एंड एक्स्ट्रा मार्जिन 1/2 इंच लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी होती है। तो चलिए फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं एंड आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तरीके से प्रॉपर शेप देते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है एंड हमें दोनों साइड से 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो ले लेना है एंड इसकी कटिंग कर लेनी है। एंड इसे स्टिच कैसे करना होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से हमें स्टिच करना होता है, सबसे पहले हम फ्रंट में एक पीस को इस वाले बुकरम के ऊपर डालकर सिल लेंगे एंड सिलने के बाद हमने इसके ऊपर से कॉलर का शेप देके सिल लेना है एंड पट्टी तैयार हो गई। एंड जब हमारा कॉलर तैयार हो जाएगा तो हमारे बिना बुकरम वाला जो कॉलर है उसको हमारे सूट के पीस में अटैच करना है एंड उसके बाद ये जो बुकरम वाला रेडी पीस है इसको ऊपर से डाल के सिल लेना होता है। पहले बिना बुकरम वाले को सिल लेंगे एंड इसके बाद इसको सिल लेंगे एंड कॉलर कुछ इस तरीके के शेप में तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।